इंडियन नेवी एमआर एडमिट कार्ड 2021। नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेवी के एमआर रिक्रूटमेंट के एडमिट कार्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस बार का जो एग्जाम होगा अक्टूबर 2021 का जो बैच है इसका एग्जाम कब तक होगा। साथ ही दोस्तों इस बार आपके कितने परसेंट पर एडमिट कार्ड आने वाले हैं, साथ ही कितने कैंडिडेटों को रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, कितने कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, मेडिकल में कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए और फाइनली मेडिकल के लिए आपको चिल्का कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, इसको लेकर यहां पर ऑफिशियली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू यहां पर अपडेट हम आपको देने वाले हैं। काफी ज्यादा बेसब्री से अभ्यर्थियों को इंतजार हो रहा है, तो यहां पर पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल से बताऊं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली इंडियन नेवी एमआर रिक्रूटमेंट 2021 से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहे। वही दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी नया रिक्रूटमेंट आता है, एडमिट कार्ड आती है, आंसर की आता है, उसकी जानकारी आप वहां पर सबसे पहले देख पाएंगे। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो ये इंडियन नेवी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन नेवी की तरफ से यहां पर जारी किया गया था और इस बार का जो आपका रिक्रूटमेंट आया दोस्तों वो 350 पदों पर होने वाला है। 350 पदों पर ये रिक्रूटमेंट होगा, तो रिटर्न के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, फिजिकल में कितने गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, मेडिकल में कितने गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा और जो आपका फाइनली मेडिकल होगा ज्वाइनिंग के समय आईआरएस चिल्का में वहां पर कितने गुना कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे और एग्जाम कब होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी बता देता हूं। सबसे पहले बात करें तो टोटल आपकी वैकेंसी एमआर की 350 वैकेंसी है। वही दोस्तों इंडियन नेवी ने यह अप्रोक्सीमेटली बताया, आप यहां पर देख लीजिएगा 350 वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली बताया। इसका मतलब यह होता है कि इसमें इंडियन नेवी है वो चेंज भी कर सकती है आपकी वैकेंसी को, इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकती है, लेकिन डिक्रीज वैकेंसी होने का बहुत ही कम चांसेस है। हो सकता है आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन दोस्तों अभी तक वैकेंसी बढ़ाने को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन नेवी की तरफ से जारी नहीं किया गया। वही बात करें तो यहां पर आपके टोटल कितने कैंडिडेटों को रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, तो यहां पर आप देख लीजिएगा अप्रोक्सीमेटली 1750 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट। द कट ऑफ मार्क्स ऑफ अपीयरिंग इन रिटर्न एग्जामिनेशन मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बिल्कुल आप सभी की कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है और दोस्तों बहुत सारे स्टेट ऐसे जिनकी कट ऑफ काफी लो रहती है, जबकि कुछ बड़े स्टेट है राजस्थान हरियाणा यूपी, इनकी कट ऑफ कुछ हाई भी देखने को मिल जाती है। टोटल 1750 कैंडिडेट पास किए जाएंगे रिटर्न के लिए और आपके फिजिकल के लिए, तो 1750 कैंडिडेटों को यहां पर रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा और रिटर्न में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन सभी को यहां पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं फाइनली आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो कितने बंदों में से आएगी, कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा फाइनली सिलेक्शन के लिए। यहां पर आप देख लीजिएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट और यहां पर आपके 1.6 किलोमीटर की रेस होगी और यहां पर आपको समय दिया जाएगा 7 मिनट का समय दिया जाएगा, 20 आपके स्क्वेट्स होगी इसे तक बैठक करते 10 आपकी पुशअप्स रहने वाली है। यहां पर अगर बात करें तो देख लीजिएगा मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट फॉर एमआर विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड एंड ऑन प्रेफरेंस इन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अप्रोक्सीमेटली 450 कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल अप लेटर एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट आईएनएस चिल्का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज मेरिट। आपकी स्टेट वाइज मेरिट के हिसाब से 450 कैंडिडेटों को और वो 450 कैंडिडेट होंगे जो फिजिकली फिट होंगे, फिजिकली फिट 450 कैंडिडेटों को यहां पर बुलाया जाएगा दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, फाइनली आपका मेडिकल के लिए आईएनएस चिल्का। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है। और एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड को लेकर भी मैं आपको बड़ी अपडेट बता देता हूं, आपका जो एग्जाम है वो सितंबर लास्ट में होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो दोस्तों समय आपके पास में काफी कम बचा है, अगर आप इस बीच के समय में अच्छी तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर रहने वाली है। दोस्तों मैं फिर से बता दूं आपकी जो कट ऑफ आएगी वो स्टेट वाइज आएगी और बहुत सारे स्टेट ऐसे होंगे जिनकी कट ऑफ काफी लो होगी, तो बिल्कुल आप अच्छी तैयारी कीजिएगा, आपका सिलेक्शन
होने में काफी ज्यादा यहाँ पर उम्मीद है। जिन कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन आपका बहुत कम रहेगा, मात्र 1750 कैंडिडेटों को ही बुलाया जाएगा और उनमें से 350 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब उनके बीच में आपका मेडिकल भी होना है, आपका फिजिकल भी होना है। तो रिटर्न जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका सिलेक्शन होने में काफी यहाँ पर मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कर दे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।